हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक की पोयम सेकंड एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो कि स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। राइटर का जन्म 1909 में हुआ, मृत्यु 1995 में। ओके, तो पोयम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये पोयम सोशल इनइक्वालिटी पर है, स्लम एरिया पर है। एक स्लम एरिया है जिसमें एक कक्षा है, जो गंदी सी कक्षा है, उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जीवन पर आधारित ये पोयम है। एक स्लम एरिया के बच्चे हैं जो एक क्लासरूम में बैठे हैं, जिनकी कक्षा बेहद गंदी और बदबूदार है। फ्रेश एयर, फ्रेश इन्वायरमेंट से दूर, तूफ़ानी लहरों से दूर, बहुत दूर। ये बच्चे जो कि स्लम एरिया के हैं, इनके चेहरे बेरुखे हैं, मूलहीन हैं, बेरौनक हैं। पीले मायूस चेहरों पर बिखरे हुए गंदे बाल पड़े हुए हैं। अब पोएट एक लड़की के बारे में बताता है जो काफ़ी लंबी है और बहुत उदास रहती है, जिसके जीवन में कोई आशा नहीं बची है। फिर एक लड़के के बारे में बताते हैं जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं, यानी कुछ खोज रही है, जैसे चूहा खाने के लिए कुछ ना कुछ खोज रहा होता है। इसी तरह उस लड़के की नज़रें भी कुछ खाने के लिए खोज रही हैं। इस लड़के की आँखों का कंपैरिजन चूहे की आँखों के साथ इसीलिए किया गया है कि दोनों ही खाने के लिए कुछ ना कुछ खोज रहे होते हैं। एक और लड़का है जो युवा है, जिसकी आँखों में सपने हैं। वह पोएट को बहुत पसंद आता है। वह कक्षा के कोने में अपना पाठ सुना रहा है। पोएट कहते हैं, क्लास की गंदी दीवारों पर डोनेशंस में मिले हुए गिफ्ट्स लगे हुए हैं। वे गिफ्ट्स हैं एक शेक्सपियर की पोर्ट्रेट, एक अच्छी सी तस्वीर, बड़े बड़े शहरों की तस्वीर, बड़े बड़े मानचित्र। यह स्लम ही इनकी दुनिया है, जो कि नदियों, खाड़ियों, सितारों से दूर, धुंध से भरे भविष्य की है। थर्ड स्टैंजा में राइटर कहता है कि शेक्सपियर दुष्ट है, क्योंकि वे बहुत बड़े महान अंग्रेजी रचनाकार हैं और इन बच्चों को तो लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता। तो दीवार पर लगी इस बड़े राइटर की तस्वीर इनके किस काम की? और दीवार पर एक बहुत बड़ा मानचित्र लगा हुआ है, जो कि इन बच्चों के लिए एक बहुत बुरा उदाहरण है, जिसमें दिखने वाली चीज़ें इन्हें चोरी के लिए उकसाती हैं। कूड़े के ढेर पर रहने वाले ये बच्चे, जो लोहे के चश्मे पहनते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे हड्डियां झांकती हैं, यानी फटे पुराने, उनकी धुंध भरी बस्तियां, उनका सारा समय निगल जाती है। राइटर कहता है, मानचित्रों पर हमें इन स्लम एरियाज़ को छापना चाहिए, जिससे सच्चाई हमारे समक्ष रहे, हम सच्चाई से अवगत रहें। जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स इन बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक इनका भविष्य अंधकार में ही रहेगा। इनके लिए इनकी लाइफ के सक्सेस के दरवाजे बंद हैं, जो कभी खुल नहीं सकते। अंत में राइटर कहता है कि हमें इन्हें यहाँ से निकालना होगा, ताकि यह भी तरक्की करें, इनका भी इतिहास में हिस्सा हो, ताकि यह सूरज को देख सके, उसकी तरह अपने भविष्य को चकाचौंध कर पाए। थैंक यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।